चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइजेस के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है जो आपके पास है गैसेस एक्सचेंज, चैप्टर नंबर 10, ठीक है, ग्रेड 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 है गैसेस एक्सचेंज। उसकी एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको आई सॉल्व करते हैं। वहाँ से लेकर उसके बुक के जितने भी एंड तक आपके पास एमसीक्यूज़ आ रहे हैं आज इस लेक्चर में हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर, अब आपके पास जो पहला एमसीक्यूज़ है वो है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द फ्लो ऑफ एयर इन अ ह्यूमन बॉडी। तो जो उसका करेक्ट सीक्वेंस है वो है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद जो है लैरिंग्स के अंदर जाती है, देन ट्रैकिया के अंदर, फिर ब्रोंकाई के अंदर और फिर लास्ट में ब्रोंकियोल्स के अंदर। सो द राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट आपके पास जो सेकेंड एमसीक्यूज़ है वो है आपके पास फूड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इन टू द लैरिंग्स बाय, कौन सी चीज़ फूड को लैरिंग्स में जाने से रोकती है। तो वो है आपके पास राइट ऑप्शन एपिग्लॉटिस। थर्ड है आपके पास ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स इंटर इनटू द ब्लड ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की वजह से ऑक्सीजन जो है लंग्स के अंदर जो है लंग्स से आपके पास मतलब ब्लड जो है लंग्स के अंदर इंटर होता है। विच पार्ट ऑफ द एयर पैसेज वे इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, विंड पाइप किसको बोला जाता है, ट्रैकिया को जो दूसरा नाम कॉमन वर्ड्स में हम यूज करते हैं उसके लिए वो है विंड पाइप, ठीक है। फिफ्थ एमसीक्यूज है इन विच डिजीज आर द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई आर ब्रोकन, कौन सी बीमारी ऐसी है जिसमें एल्वियोलाई ब्रोक हो जाते हैं, मीन वो टूट जाते हैं, वो है एम्फीसीमा। द डायाफ्रेम इज फ्लैट, द रिब मूव आउट, दिस अकर ड्यूरिंग, ये वाली कंडीशन इंस्पायरेशन में होती है जब सांस आप अंदर की तरफ लेते हैं, ठीक है। द चेस्ट कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी बाय अ मसल्स कॉल्ड, कौन से मसल्स के थ्रू आपकी चेस्ट कैविटी एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट होती है, तो वो है आपके पास डायाफ्रेम। एट एमसीक्यूज है आपके पास रेस्पायरेशन एट सेलुलर लेवल इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन उसको बोला जाता है, ठीक है। हाई फीवर, कोल्ड एंड कफ विद द सप्यूटम प्रोडक्शन आर सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, कीमोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर, हमारे पास जो लंग कैंसर है उसको ट्रीट करने के लिए जो है वो कीमोथेरेपीज की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के या चैप्टर नंबर 11 के, जो कि है आपके पास यूनिट हीमोस्टेसिस, ठीक है। हीमोस्टेसिस के ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम। ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू चेंज एंड मॉडिफाई देयर इंटरनल कंडीशन अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट, थ्रू किन किन तरीकों से अपना इंटरनल टेम्परेचर या इंटरनल बॉडी कंडीशन को कांस्टेंट रख सकते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मोरेगुलेशन, ऑल ऑफ अबव, सो द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव, वो तीनों के थ्रू अपना इंटरनल जो उसकी बॉडी कंडीशन है उसको वो मेंटेन रखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द अडेप्टेशन ऑफ ज़ीरोफाइट एक्सेप्ट, सारी ज़ीरोफाइट के अडेप्टेशन हैं इनमें से, लेकिन कौन सी एक ऐसी है जो नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा जो हैं वो हाइड्रोफाइट्स में होते हैं, ज़ीरोफाइट्स के अंदर नहीं होते। द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड गटेशन। नेक्स्ट आपके पास फ्रॉम अ नेफ्रॉन वेस्ट इंटर इनटू द, नेफ्रॉन से आगे वेस्ट मटेरियल कहाँ पे जाता है, कोलेक्टिंग जो है ट्यूब्यूल के अंदर जाता है। द ट्यूब्स बिटवीन द किडनी एंड द यूरिनरी ब्लैडर इज यूरेटर, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय द किडनी आर यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट, ये तीन मटेरियल्स ऐसे हैं जो किडनीज के थ्रू रिमूव होते हैं। सिक्रीशन ऑफ यूरिया इन द स्वेट मेक्स स्किन अ एक्सक्रेटरी ऑर्गन। द टू मेन फंक्शन ऑफ स्वेट आर, दो जो मेन फंक्शन है स्वेट के वो क्या है, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कूल द बॉडी। नेक्स्ट है आपके पास विच इज नॉट प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट इंटरिंग द बोन इन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन, सो द राइट ऑप्शन इज ब्लड सेल। लिवर ऑल्सो प्ले अ रोल इन एक्सक्रीशन, इट मेक यूरिया फ्रॉम अमोनिया, अमोनिया से आपके पास वो यूरिया को बना रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज हैं चैप्टर नंबर 12 के कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के। इंसुलिन इज अ हार्मोन एंड इट इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन को सिक्रेट करता है आपके पास पेनक्रियास, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मस्कुलर लेयर ऑफ आईबॉल, स्क्लेरा, स्क्लेरा आपके पास जो है वो मस्कुलर लेयर है आईबॉल की। द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट कैरी द सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इज एक्सॉन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ चेंज इन द एनवायरमेंट, रिसेप्टर जो है वो डिटेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सेरिब्लर कॉर्टेक्स, इट इज द फोल्डेड आउटर कवरिंग ऑफ द
ब्रेन, ये आपके पास फोल्डेड आउटर कवरिंग्स होती हैं ब्रेन की, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सिक्स है, रेज लाइट फोकस बिहाइंड द रेटिना इंस्टेड ऑफ द फोकसिंग ऑन द सर्फेस ऑफ रेटिना, द कंडीशन इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। माइक्रोस्कोपिक गैप्स बिटवीन द न्यूरॉन एंडिंग्स, उनको बोला जाता है साइनेप्सिस। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। इंटेलिजेंस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरिब्रम के कंट्रोल में ही आपकी इंटेलिजेंस भी होती है। मिक्स न्यूरॉन आर मेड अप ऑफ एग्जॉन ऑफ द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच यू यूज इन रिकॉलिंग योर मेमरीज इज, कौन सा पार्ट ब्रेन का ऐसा है जो मेमोरी को रिकॉल करने में हेल्प करता है, तो वो आपके पास पार्ट है 11 है आपके पास। द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच यू यूज द रिकॉलिंग योर मेमरीज, वो आपके पास होता है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। विच ऑफ दीज एक्ट एज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, तो पेनक्रियास बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के तौर पर काम कर रहा होता है। इन द इनर ईयर वाइब्रेशन मेक प्रेशर वेव इन द फ्लूइड ऑफ सेमी सर्कुलर केनाल, सेमी सर्कुलर केनाल के अंदर वो प्रेशर को एग्जर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यूनिट नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट के एमसीक्यूज़ हैं। विच ऑफ दीज इज़ द पार्ट ऑफ द पेंडिकुलर स्केलेटन, तो पेक्टोरल गर्डल इसका राइट ऑप्शन का आंसर है। द जॉइंट्स बिटवीन द स्कल बोन आर एन एग्जाम्पल ऑफ इनमूवेबल जॉइंट। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्री स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, लेग्स की बोन जो होती है। बोन्स आर स्ट्रॉन्गर देन द कार्टिलेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। द मेन प्रोटीन इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉलेजन। विच कनेक्टिव टिश्यू अटैच टू बोन्स एट द जॉइंट्स, लिगमेंट्स। इन विच डिजीज डू द बोन्स बिकम वीक एंड ब्रिटल, ऑस्टियोपोरोसिस। द पॉइंट वेयर द मसल अटैच टू द फिक्स बोन इज कॉल्ड ओरिजिन। आर्थराइटिस इज डिफाइंड एज इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन के एमसीक्यूज़ हैं, जो कि नंबर 1 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन का होना बिल्कुल भी एसेक्सुअल के लिए आपके पास जरूरी नहीं है। आ हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय, हाइड्रा इनमें से किस प्रोसेस के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, तो वो है बडिंग। आपके पास वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट, ग्राफ्टिंग। इन पार्थिनोजेनेसिस अ न्यू एनिमल डिवेलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। इन अ फ्लावर द एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। द यूनियन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अ मल्टी सेलुलर एनिमल डिवेलप फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड जायगोट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्टोर डिप्लाइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू आपके पास जो है डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्टोर डिप्लाई नंबर हो गया फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट आपके पास आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फिशेज और एम्फीबियंस के अंदर होती है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैमल्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो मैमल्स का कैरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हैं आपके पास चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस के, ठीक है। जीन्स आर शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। The various form of gene responsible for the same trait are called allele. Natural selection operate to produce change in an individual. How many different type of gametes will be proceed by the plant having a genotype AABB? 4 type के आपके पास genotypes आ रहे हैं इसमें। Speciation is the evolutionary process by which, जिसमें आपके पास क्या होता है, species का नया pool बन रहा होता है, a new genes pool is formed. फिनोटाइप इज द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल मेकअप, मतलब आपके पास जो जाहिरी अपेयरेंस होती है एक बंदे की, वो फिजिकल अपेयरेंस आपके पास फिनोटिपिक को शो कर रही है। द राउंड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड व्हेन डीएनए कॉइल अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, उस टाइम उसको न्यूक्लियोसोम्स उनको बोला जाता है। एन एलील विच कम्प्लीट मास द इफेक्ट ऑफ अदर एलील इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, जो अब दूसरे के अफेक्ट को मास्क करके खुद डोमिनेंट हो जाते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन इज डोमिनेंट। द सेंट्रल डॉगमा इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। टाइप ऑफ द डोमिनेंस पैटर्न फॉलो बाय आई ए एंड आई बी एलील ऑफ द ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स सिस्टम, ये किसको शो कर रही है, ये को डोमिनेंस को शो कर रही है, ठीक है।
व्हाट आर द पॉसिबल जीनोटाइप पैटर्न ऑफ द होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल? सो द राइट ऑप्शन इज बी, होमोजाइगस रिसेसिव। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर नंबर 16, मैन एंड हिज एनवायरमेंट के। एनर्जी फ्लो थ्रू एन इको सिस्टम इज ऑलवेज साइक्लिक, ठीक है। द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन ऑन आर प्लैनेट, एटमोसफेयर के अंदर 78% जो है वो नाइट्रोजन होती है। ओवर ग्रेजिंग रिजल्ट इन सॉइल एरोजन। द 3 RS रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेटर एनवायरमेंट आर, कौन कौन से हैं 3 R's किसको रिप्रेजेंट करें? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को। आ फूड वेब कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग फूड चेन। प्रिडेशन हेल्प टू मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम। आयन इकोलॉजिकल पैरामीटर्स रेफर टू द ऑल ऑफ अबव, इसमें से राइट जो उसका ऑप्शन है वो है। व्हेन द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन एंड द सल्फर इंटरेक्ट विद द वाटर वेपर देन द एसिड प्रोड्यूस, कौन कौन से एसिड बनते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आपके पास बनते हैं इसके रिजल्ट में। द प्रोसेस इन विच नाइट्रेट्स एंड द नाइट्राइट्स आर रिड्यूस टू नाइट्रोजन गैस बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन राइजोमियम बैक्टीरियम एंड लेगुमिनस प्लांट आर एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट लेके, एक एक को फायदा दे रहा है तो दूसरा दूसरे को फायदा दे के म्यूचुअल रिलेशन को शो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी के। द एंजाइम्स विच आर यूज टू कट द डीएनए इन अ स्पेसिफाइड सीक्वेंस वो है एंडोन्यूक्लिएसेस। द डीएनए मॉलिक्यूल इन विच द जीन ऑफ द इंटरेस्ट इज इंसर्टेड फॉर कैरिंग टू द टारगेट सेल वेक्टर डीएनए। एंडोन्यूक्लिएसेस यूज इन अ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नेचुरली प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। फर्मेंटर इज अ मशीन इन विच बेसिकली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए फर्मेंटर यूज किया जाता है। लैक्टोबैसिलस बल्गारिकस जो है इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट। इन अ टेक्निक फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आपके पास डीएनए, आर डीएनए स्टैंड फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए, आर जो हम लगाते हैं वो रिकम्बिनेंट के लिए लगाते हैं, ठीक है। इंटरफेरॉन आर द केमिकल विच आर यूज टू किल वायरस। विच इज मॉलिक्यूल कंटेनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, सो द राइट ऑप्शन इज रिकम्बिनेंट डीएनए। व्हाट टर्म इज यूज फॉर द इंसर्टिंग अ हेल्थी जीन इनटू द पर्सन हु हैज अ डिफेक्टिव जीन, द जीन थेरेपी। विच ऑफ दिस कैन यूज एज अ वेक्टर फॉर इंसर्टिंग अ जीन इनटू द बैक्टीरिया, सो द राइट ऑप्शन इज प्लाज्मिड। आगे नेक्स्ट हमारे पास लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 18 जो कि आपके पास है फार्माकोलॉजी। चैप्टर नंबर 18 है फार्माकोलॉजी, उसके आपके पास जो एमसीक्यूज़ हैं वो है एनी सब्सटेंसेस दैट इज यूज टू मॉडिफाई द फिजियोलॉजिकल सिस्टम फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट ड्रग्स। ओरल ड्रग आर एब्जॉर्ब इन द ब्लड एंड आर फर्स्ट टेकन टू लिवर, ठीक है। एनी preparation intended to produce immunity to a disease by stimulating the production of antibodies is vaccine. Drug that calm patient down, easy agitation and the permitting sleep is termed as sedatives, ठीक है। जो सुकून देती हैं, आपको नींद ले आती है, उनको sedatives बोला जाता है। There are two type of narcotic drug, opiates and synthetic, ठीक है। Which of the following is synthetic? इनमें से synthetic जो है heroin है। The uncontrollable desires for the drug is known as addiction. All of the following is classes of antibiotic except morphine. Which of these is the source of narcotic? Opium plant. Vaccine can be administered through all of these. Injection ke through bhi di ja sakti hai, mouth ke through bhi, nose ke through bhi. Cephalosporin are derived from bacteria. Ye aapke paas cephalosporin jo hai antibiotic hai jo ke bacteria se li jati hai, theek hai? ये आपके पास एमसीक्यूज़ थे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 10 से लेकर चैप्टर 18 तक ग्रेड 10th बायोलॉजी के, ठीक है।